वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की पांचवी किस्त जारी हुए बड़े ऐलान, मनरेगा में हुआ 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान। हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिख रहे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो नई वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पांचवी किस्त में सरकार ने क्या तोहफे दिए? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवी किस्त में चौथी किस्त के सुधारों को और आगे बढ़ाया है। नई दिल्ली, कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की पांचवी किस्त की रविवार को घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवी किस्त में चौथी किस्त के सुधारों को और आगे बढ़ाने और पांचवी किस्त की मुख्य बातें वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, भविष्य की महामारियों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाया जाएगा, एक साल तक नई दिवाला कार्रवाई का स्थगन, दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रियाओं के लिए बकाया कर्ज की न्यूनतम सीमा 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर करोड़ रुपये कर दी गई है। मामूली तकनीक चूक से संबंधित कंपनी अधिनियम के उल्लंघन को गैर आपराधिक किया गया, समाधान योग्य अधिकांश अपराधों को आंतरिक न्याय निर्णय व्यवस्था में डाला जाएगा, भारतीय कंपनियों की प्रतिभूतियों को सीधे स्वीकृत विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध कराने की छूट, निजी कंपनियों के लिए सारे क्षेत्र खोले गए, सरकारी कंपनियां चुनिंदा क्षेत्रों में होगी तय, रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक सरकारी कंपनी रहेगी लेकिन निजी कंपनियों को भी मिलेंगे अवसर, रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़ सरकारी कंपनियों को होगा निजीकरण। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को उधार उठाने की कुल सीमा उनके सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। इससे राज्यों जुटा सकेंगे अतिरिक्त 4.28 करोड़ रुपये। विशिष्ट सुधारों से जुड़ी उधार उठाने की सीमा में बढ़ाई गई। कुल प्रोत्साहन पैकेज 20,97,053 करोड़ रुपए का है, जिसमें RBI ने 8,01,603 करोड़ रुपए का मौद्रिक उपाय भी शामिल है। 1.70 लाख करोड़ रुपए के PM गरीब कल्याण योजना सहित 1,92,800 करोड़ रुपए की योजनाएं भी पैकेज में शामिल है। प्रोत्साहन की पहली किस्त 5.94 लाख करोड़ रुपए और दूसरी किस्त 3.10 लाख करोड़ रुपए और तीसरी किस्त 1.50 लाख करोड़ रुपए और चौथी व पांचवी किस्त में 48,100 करोड़ रुपए का उपाय है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।